मैं विनीता खंडेलवाल श्री अग्रसेन शिक्षा प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय से आज आपके लिए छपाई का टॉपिक लाई हूँ कि मैं आज आपको छपाई के बारे में बताऊंगी। छपाई जिसे हम मुद्रण कहते हैं, हम इसको क्या कह सकते हैं, मुद्रण कहते हैं। मुद्रण जो है वह प्राचीन काल से ही चला रहा है। प्राचीन काल से ही छपाई ने अपनी विशिष्ट स्थान जो है वो चित्रकला में बनाया हुआ है। तो प्राचीन काल में जो मोहरा चला करती थी उस पर भी हम देख सकते हैं कि विभिन्न जीव जंतुओं के और मनुष्यों के फोटो जो है उस पर छपे हुए रहते हैं। आज भी हम देखते हैं तो सिक्कों पर अनेक तरह की चीजें जो है उस पर छपी हुई रहती हैं। और सिक्कों के अलावा अगर हम बात करें तो कपड़ा पर, कागज पर विभिन्न प्रकार की छपाइयाँ आज हमें देखने को मिलती हैं। छपाई के लिए हम मुख्यतः सब्जियों का भी प्रयोग करते हैं, लकड़ी का प्रयोग करते हैं और प्लास्टिक के द्वारा भी छापांकन तैयार किया जा सकता है। अब सब्जियों के द्वारा जो हम छपाई करते हैं या जिन चीजों से भी हम छपाई कर रहे हैं उनके लिए उनको हम ठप्पा कहते हैं। ठप्पे के द्वारा भी छापांकन होता है। रंग के द्वारा तो छपाई होती ही है लेकिन रंग के साथ साथ हम कुछ ठप्पे भी बना लेते हैं जिनके माध्यम से हमें एक ही आकृति बार बार डिजाइन करनी नहीं होती, वही आकृति बार बार छाप करके हम पूरी अपनी डिजाइन को तैयार कर सकते हैं। विभिन्न सब अब ठप्पे जो हैं वो किन किन चीजों से बनाए जाते हैं, ठप्पे की बात करें तो जो ठप्पे हैं वो विभिन्न चीजों से बनने लगे हैं, जैसे सब्जियों के द्वारा भी ठप्पों का निर्माण किया जाता है। प्लास्टिक के द्वारा भी ठप्पे बनाए जाते हैं, लकड़ी के द्वारा भी ठप्पों का निर्माण किया जाता है। तो सब्जियों से, प्लास्टिक से और लकड़ी के ठप्पे हमें बाजार में खूब आसानी से मिल जाते हैं। सब्जियों के ठप्पे तो हम घर में भी बना सकते हैं। देखिए मैंने कुछ ठप्पे यहाँ पर बनाए हुए हैं, जैसे कि आलू। ये आलू आप देखेंगे, इस आलू को थोड़ा सा उभार करके इसमें एक डिज़ाइन बना दी गई है। अब इस डिज़ाइन को हम रंग में डिप करेंगे और डिप करने के बाद जिस पर भी हमें छापना है उस कागज पर या कपड़े पर हम उस रंग लगे आलू की इस डिज़ाइन को धीरे से रख देंगे। बस ध्यान हमें ये रखना है कि जब हम उस पर छपांकन करेंगे तो नीचे का धरातल जो है वह पूर्णतः समतल होना चाहिए। उसको आसानी से उस पर रख देंगे और तब हटाएंगे तो वह डिज़ाइन जो होगी, जो उभरी हुई डिज़ाइन है, वह वहाँ पर छप जाएगी। इसी प्रकार से आलू के ठप्पे के साथ साथ हम अन्य सब्जियों में जैसे प्याज के ठप्पे, ये देखिए इसी तरीके से हम प्याज के ठप्पे भी निर्मित कर सकते हैं। ये प्याज है और इसको आसानी से हम इसके ठप्पे बना सकते हैं। इसी प्रकार से भिंडी का प्रयोग भी ठप्पे बनाने में किया जाता है। जैसे कि हमने कोई पेड़ बना दिया, इस तरीके से, तो यहाँ पर हमने भिंडी के द्वारा या किसी के भी द्वारा ठप्पे बनाकर उस आकृति को या उस डिजाइन को हम पूरा कर देते हैं। तो ठप्पे बनाना आसान है लेकिन हमें कुछ सावधानियां इसके लिए रखनी होती हैं। जैसे आलू के जो ठप्पे बनाते हैं तो सब्जियों में जब रंग करते हैं तो वह रंग कैसा होना चाहिए, वह रंग हम गाढ़ा रखते हैं क्योंकि सब्जियों का प्राकृतिक गुण है कि जब उनको काटा जाता है तो वह थोड़ा सा पानी छोड़ देती हैं, वो नम हो जाती हैं, तो गाढ़े रंग का प्रयोग करना चाहिए। हमें कैंची आदि का जब हम प्रयोग करते हैं तो सावधानी कैंची या किसी नुकीली चीज के द्वारा हम इन ठप्पों का निर्माण करते हैं तो वो नुकीली चीज से हमारे हाथ में ना लग जाए, इसीलिए वह ज्यादा धार वाली नहीं होनी चाहिए और बहुत आसानी से और धीरे धीरे हमें उस ठप्पे को जो है वो निर्मित करना चाहिए। धन्यवाद।